Lights! Camera! Silence! Action! सॉरी, इसे बस यही आता है। अकेले रहते हो कोलकाता में? हाँ। बोर नहीं होते? नहीं। तो फिर शादी क्यों करना चाहते हो? एक्चुअली मेरा शादी का कोई प्लान नहीं था। यू नो पेरेंट्स। ट्रस्ट मी, आई नो। तो कुछ पूछना चाहते हो? आप नर्सिंग पढ़ रही हो, है ना? पढ़ाई तो कब की खत्म हो गई, अभी इंटर्नशिप चल रही है। मैं कुछ पूछूं? तुम्हारा कभी कोई अफेयर या कुछ? नहीं, कभी नहीं। यू कैन टेल मी स्कूल। नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, डॉक्टर था, फिर ब्रेकअप हो गया। एक्चुअली अभी लगता है कि मुझे शायद उससे ज्यादा उसकी बाइक पसंद थी, यू नो, कूल लगता था। तुम बाइक चलाते हो? एक आध बार ट्राई किया है, लेकिन बहुत नर्वस हो जाता हूँ मैं। रियली? आर यू द नर्वस टाइप? तो फिर एक योगा ट्राई कर सकते हो, विल रियली काम यू डाउन। योगा? नर्सिंग में सिखाते हैं, ऑपरेशन वगैरह से पहले पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए। नाक पे से हाथ रखो और लंबी सांस लो। करो क्या? किसी का मतलब क्या? अच्छी लगी कि नहीं लगी? तो फिर बाबा हम लोग बात आगे बढ़ाए। पहले देख लो वो लोग क्या कहते हैं। ओफो, तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो पता है वो लोग हाँ ही कहेंगे। कैसे बताया आपको? और जो भी है ये लास्ट टाइम। ओके, देख अभी तो ओवर रिएक्ट कर रहा है। अभी माँ को पूछ, 17 रिजेक्शन के बाद मिली थी मुझे। ये सब यहाँ लिखा होता है यहाँ। ठीक हो?
हम गरखपुर से वापस आ रहे थे, तेज बारिश भी थी, अचानक ये गाड़ी के सामने कूद पड़ी। कूद पड़ी मतलब सुसाइड? एक्सीडेंट स्पॉट कहाँ है याद है? कुछ घंटा पहले यहाँ एक बुढ़िया का एक्सीडेंट हुआ था, बुर्का पहनी हुई थी, किसी ने कुछ देखा? कोई जानता है वो कौन थी? वो बहुत सारे मुसलमान रहते हैं यहाँ आसपास, बुर्के में कौन है कैसे पता चलेगा साहेब? कि तू कुत्ते वाली का है क्या? नाम तो नहीं पता साहेब, सब इसी नाम से बुलाते थे उसे। रहते कहाँ है? वो सामने गली दिख रही ना साहब, उसके बाद एक तालाब आएगा और तालाब के बाद एक जंगल, बस वहीं पे एक छोटा सा घर है। साहब एक बात बोलूं, बुढ़िया बड़ी अजीब सी थी, पगली सी, किसी से बात नहीं करती थी, सड़क के कुत्तों को अपने घर ले जाती थी, इसीलिए सब उसे कुत्ते वाली कहते थे। आसपास देखो कोई है कि नहीं? रात को सड़कों पे घूमती रहती थी, अकेले बैठकर जोर जोर से रोती थी, कभी कभी उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती थी। कोई है वहाँ पे? है सर, उधर कोई नहीं है। पुलिस से हूँ, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हाँ बोल दूँ? अम्मी आंखें खोल दी। तुम्हारी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल जाना पड़ेगा तुमको। सॉरी, एकदम से गाड़ी के सामने आ गई थी, हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे। घर पे और कोई है? ये बॉडी कल पुलिस मॉफ से ले लेना, डिस्चार्ज का 300 रुपया होता है, अभी देना है। हाँ वो मैं देता हूँ, ले लो।
अम्मी के साथ क्या कर रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं, छानबीन करनी होती है ना। आप मुर्दा घर कैसे जाती? मैं लेके जाऊं? मैं लेके जाऊंगा। तुझे जाने की क्या जरूरत है? बेचारी का कोई नहीं माँ, किसी को तो साथ में जाना चाहिए ना। तो हमें इससे क्या, क्यों गुस्सा है सबके बीच पे बिना मतलब के? बिना मतलब के? माँ मैं सामने बैठा था, मुझे पता है वो सुसाइड नहीं था। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, गांव वालों ने जो भी बोला उससे तो पुलिस वालों को यही लगता है कि सुसाइड ही किया होगा। लेकिन वो लड़की, वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी करेगी? अरे नहीं मैडम, उसको तो अपने बाप का नाम तक नहीं पता। उसकी माँ उसे बांध के रखती थी जानवर की तरह। क्या जमाना आ गया, देख लूट मार के डर से लोगों से सोना भी नहीं पहनते आजकल। लाश आई है, एक्सीडेंट में मरी थी, मुसलमान है। उसके जनाजे पे आऊं? नहीं, उसके हाथ पे वो वाला निशान है। निशान? हाँ, अलाद चक्र। अभी आप अपने आप खाना शुरू कीजिए, समझ गए? बहुत हो गया। ऊपर आए चबा के। बांग्लादेश ट्रिब्यून में खबर निकली है, आपने देखी? तुमने हुसैन साहब वाला पॉइंट नोट किया? बांग्लादेश ट्रिब्यून कर लिया सर। सातखेरा के पास कुछ बच्चों के सर मिले, नई बात क्या है, पहले भी मिले थे। ये लिबरेशन वॉर की लाशें पता नहीं, अल्लाह जाने कब तक मिलेंगे। हाँ पर पेपर के हिसाब से ये लिबरेशन वॉर की नहीं, कयामत आंदोलन की। सर आपसे एक बात पूछूं? आपने कभी जिन को देखा? दादू ये जिन क्या होता है? जिन क्या होता है समझाओ। तुम्हारे अंदर के जो बुरे ख्याल होते हैं ना, कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं रात को जल्दी नहीं सोऊंगा, काम के वक्त बेकार के सवाल करूंगा, इधर उधर की बातें करूंगा, हाँ ये होता है तुम्हारे अंदर का जिन, जिसको क्या कहते हैं, शैतान कहते हैं। शैतान बहुत खतरनाक होता है। इक्कीस से भी खतरनाक।
आखिरा के पास कुछ बच्चों के सर मिले। पेपर के हिसाब से ये कयामत आंदोलन की। कहाँ रहती हो तुम? हाँ, घर पे कौन कौन है? और इसको रखो वापस। क्या करिए लज्जा, वापस करो इसको। लग जाएगा तुम्हें, सुन लो क्या कह रहा हूं, वापस करो इसको लड़की, वापस कर इसको। राइट पे मेरा घर आएगा। बेटी है इसकी? हाँ। और भी बेटी है या बस एक ही? से आपको क्या मतलब? नहीं, और बेबी काम चालू कर दो, उछल हो चुका है। आ जाओ आप थोड़ा सा साइड। بسم الله الرحمن الرحيم
क्या वो लकड़ी वो अगरबत्ती है, खुशबू है वो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा सुनिए, हो गया अब, थैंक यू, हो गया। हाँ तू जा, मैं इधर से जाऊंगी। श्योर, एक मिनट जरा ये होल्ड करना एक बार। ये रख लो आप। नहीं रख लो, काम आएगा। ठीक है फिर चलता हूँ मैं। ताला किस तरफ है? बस यहां से मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं आप रख लो, कोई बात नहीं, आपको जाना पड़ेगा ना। बाय। हाँ
बिजी हो? ओ आप? हाँ, नहीं बोलो। वैसे माँ कॉल करती वाली थी, मैंने तुम्हें बता दी मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। ओ ओके, नहीं मतलब थैंक यू। एक्चुअली कुछ और भी बताना था। मिल सकते हैं आज? मेरी शिफ्ट 4 बजे खत्म होती है। पहले यहाँ हर साल आती थी बुक फेयर के लिए, कितना अच्छा होता था। नहीं पता नहीं क्यों शिफ्ट कर दिया। आप कुछ कहने वाली थी? वो उस दिन जिस लड़के के बारे में बताया था। अच्छा, वो बाइक वाला डॉक्टर? हाँ वही बाइक वाला डॉक्टर। वो ऐसे नहीं खत्म हुआ था, सीरियस था। 4 साल चला था और फिर एक दिन खत्म हो गया। तुम ये सब सुन के शादी के लिए मना तो नहीं कर दोगे? मैंने घर पे एक्चुअली बोल दिया है। नो नो नो, आप निकलो मैं समझता हूँ।
गरम है, फूंक मार के पियो। अच्छा बताओ कौन मारना चाहता है आपको? वो आदमी मुझे कड़ी लेके आए थे। कौन आदमी? आप जानती हो उसे? छोटी थी तो देखा था। कहाँ? पहाड़ में, कमिया में, पहाड़ में रहते थे। वो आया था, मम्मी ने रस्सी खोली और बोला भाग भाग, रुको। वो हमारे पीछे था, बहुत भागी, थक गई, फिर भी भागी, फिर बच गई। क्यों मारना चाहता? नहीं पता, मैंने नहीं बताया। तो उस आदमी का नाम पता है आपको? यहाँ कैसे पहुंची आप? नहीं, चल के आई। सॉरी, ये लो दवाई है, खुद लगा लो पैर में। मैं क्लास पकड़ू? नीचे से दबाओ। कब उठी? चाय पियोगी? तब बताओ, पुलिस के पास जाना है? नहीं, पुलिस ने बताया उसको। कैसे पता? पुलिस को पता है मेरा घर कहाँ है। वो तो मुझे भी पता है, तो क्या मैंने बताया उन लोगों को? तब कहाँ जाओगे? कोई तो होगा आपका, या नहीं तो और कहीं? अच्छा ठीक है, आप यहाँ रहो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, टेबल पे आपका खाना रख देता हूँ ढक के, टाइम पे खा लेना है, और दरवाजा मैं बाहर से बंद करके जाऊँ?
नाखून कैसे काटूंगी? नाखून कैसे बारिश? आलम साहब से बात हुई? हाँ, वो कह रहे कि एक दो दिन और लगेंगे। वो दिख तो जाती है लेकिन उसको बस में करना बहुत मुश्किल है। एक बार बताओ फारिस, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं प्रोफेसर? तीसरी दफा वो लड़की हासिल। आंदोलन शुरू करने से पहले आपने कहा था प्रोफेसर, कयामत को रोकना, इफ्रत को रोकना। बहुत मुश्किल है साहब। ये इफ्रत दिखता कैसे? इफ्रत दिखता नहीं है कन्हैया, सुनाई देती है बस उसके सांस की आवाज। सिर्फ उसकी हेड के धरती काला पूरी दिखाई देती है जो हम तक उसका पैगाम पहुंचाती है। इफ्रत नजर के परे है कन्हैया। रुखसाना, आप अंदर हो?
क्या हुआ आपको? खाना क्यों नहीं खाया आपने? भूख नहीं थी। सारा दिन कुछ नहीं खाया, भूख कैसे नहीं थी? आओ साथ में खाते। अच्छा एक मिनट, ये आपके लिए। जी जी आपके लिए। Which are being given and will be given in Paris. My expectation is that so where are we? As far as being Bangla channel, let me. ये समझ भी आएगा? देखिए आपने टीवी पहले देखा है कभी? हाँ एक आश्रम ढूंढा है आपके लिए, सुना है बहुत अच्छी जगह है। कल मैं क्या करूंगा, सुबह ऑफिस जाते टाइम आपको वहां पे छोड़ के आऊंगा। चलो नहीं अच्छी जगह है। नहीं वो वहां आ गया तो? नहीं वहां कोई नहीं आएगा, वो बहुत सेफ जगह है। अरे वहां टीवी भी है। हाँ रुखसाना 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 समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, मैं एकदम चुप रहूंगी। क्यों कैसे मम्मी ने रुकाया मुझे? पता चलेगा। अभी आपको कहीं नहीं जाना है, बाहर आओ खाना खा लो। चला प्लीज। भूख लगी थी तो कचरे में से क्यों खा रहे हो? पागल हो गया? खाना है ना फ्रिज में। और दो बस, नहीं और चाहिए तो बोलो। इतना ही था, काफी होगा? Thank you.
खन्ना। क्या कमी बहुत खांसती थी? हाँ पता है खन्ना, है तकलीफ देता है। थैंक गॉड, आपका क्या भरोसा, तो अगरबत्ती की खुशबू को भी बदबू कहती हो। डर लगता है अगरबत्ती से। Really? एक चीज सिखाता हूं, सटर भाग जाता है। एक हाथ से एक साइड नाक के दबाओ ऐसे ना, और दूसरे साइड से लंबी सांस लो, फिर दूसरा साइड दबा के इस साइड से भी छोड़ना है सांस को। और आप इधर, हाँ दो साइड एक साथ दबाना नहीं। हाँ लीजिए लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए बाबा जी। आप लीजिए, ये प्याली के लिए ले जाओ बेटा, ये तुम्हारे हैं। हाँ ऐसे ही माने रखे। थैंक यू, बहुत अच्छे कंडीशन में है, तुम्हारे दोस्तों ने कभी तोड़े नहीं? नहीं मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं था, मेरे कोई दोस्त ही नहीं थे। दोस्त नहीं थे मतलब? सब दोस्त नहीं थे, मैं किसी के साथ बात ही नहीं करता था, ना कम बोलता था कि माँ डरती थी धीरे धीरे आवाज गायब ना हो जाए। और गेस्ट आते थे तो तुम बिस्तर के नीचे चिप जाते थे, नहीं तुम्हारी माँ बता रही थी। हाँ चाहे कोई कितना भी बुला ले बाहर नहीं आता था। I love you.
I love you too. रुखसाना, क्या हुआ? रुखसाना? बात बता, तुमने ये पिलक मेरा जोड़ दे। मैं डॉक्टर को लाता हूँ। नहीं नहीं। रुखसाना? रुखसाना बच्चों की तरह बिहेव मत करो, बाहर आओ। ठीक हो जाओगी। अभी जोड़ दे। सना प्लीज मदद करने दो। कुछ नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं होगा। मैं ही नहीं पर आदम सबने भी जाएंगे। अंकित बचा लो, अंकित मुझे यहाँ बांध के रखा है, मारते गाली देते खेते में कोई काला पोरी। मेरी मदद करो अंकल, मुझे यहां से निकालो अंकल, मुझे बचाओ अंकल, मुझे बचाओ, मुझे क्या चाहिए तुझे?
चाहिए, इसकी खबर चाहिए तुझे। क्यों बताऊं? मादा मांगता है, दाम क्या देगा? ओ बच्चा देगा और बुढ़े देगा, बच्चा मेरी कोख में बीज डालेगा, बोल बहुत आ गया ना तेरे अंदर, कुछ मेरे अंदर भी डाल दे, बच्चा दे दे। हे बुढ़े तू बच्चा देगा, देना देना बच्चा देना। सुभानहु व तआला, कदम मरा तू गला इसमें खैरी कद्यातिन तदमीर शर्री, इसमें रब्बी कद्यातिन तदमीर शैतान, फल्गिर बिना हूँ कबलाने आवरा वाफी तू या इलाही, कद्यातिन तदमीर शैतान, फल्गिर बिना हूँ कबलाने कमाम कमाना अलाना अलाना अलाना। आप बताएंगे? और देख झूठ मत बोलना, नहीं तो ऐसा हाल करूंगा तेरा कि जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। ठीक हो? बना दिया था कल रात, क्या बना रही हो?
हाँ गुड मॉर्निंग। नहीं मिला था ट्रेन, वो लास्ट नहीं लास्ट से पहले वाला। बारिश तो काफी जोर से हो रही थी। आजकल तो बहुत हो रहा है, सॉल्ट लेक में भी कोई एक घर में चोर घुसा है, उनके डॉगी को भी जहर देंगे। मिसेस पगड़ा सी, वो गले पे निशान क्या है? Push! No, get me the injection! Bando, push! Piyali, get me the injection! Oxygen! Don't worry, tum jao, main sambhal lunga.
किसी क्या कर दिया? बहुत ढूंढा नहीं मिला, न खून काटने वाला वो नहीं मिला। उसकी छुरी से काट लिए? पागल हो क्या? ठीक हो जाए। शट अप। हाँ, लोगों को क्या कहूंगा अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होता। ओ हाँ, लो। माफ कर दे। जी माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। सॉरी, सिगरेट क्यों फेंकी? सिगरेट फेंक दिया तो मैंने भी मजाक में इसको छुपा लिया था। नहीं फेंकी आपने? नहीं फेंकी आपने? चाय पियोगे? हाँ। Call you back. बहुत फोन करती है तुझे। कौन? वो लड़की, उस दिन पूछ रही थी ना कितने बजे घर पहुंचे। मुझे वो अच्छी नहीं लगती, उससे बात मत करना। नमस्कार अनुभव। रुखसाना नाम की लड़की को जानते हैं? कौन कौन रुखसाना? ओए, तो उस दिन मुर्दाघर नहीं आया था उस लड़की के साथ? बताओ, तेरे को झूठ बोलता है? उसके अम्मी का आपकी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था। ओ अच्छा, वो? हाँ वो। हाँ लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं इसके बारे में? क्या वो आजकल आपके साथ नहीं रहती है?
क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो क्यों रहेगी मेरे साथ? उसकी अम्मी मर गई थी आपकी गाड़ी के नीचे आके। शायद आपको लगता है आपकी जिम्मेदारी। सुसाइड था, सब जानते हैं। इल्जाम लगा रहे? नहीं, समझा रहे हैं। वो लड़की आपकी हमदर्दी के लायक नहीं है, इंसान नहीं है वो। क्या? पेरी है, बच्चों की कहानी वाली परी नहीं, इफ्रित की बेटी है। औलाद चक्र में पैदा हुई है, बहुत खतरनाक है, बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं उसे। आप पागल हो क्या? कौन हो आप? हो कौन? हा? आपको अंदर किसने आने दिया? अरुणा बाबू। ए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इधर आओ। अरुणा बाबू आप गलत समझ रहे हैं, वो परी नादान नाजुक लगेगी, आपके साथ इश्क फरमाएगी, मुंह का जाल बिछाएगी और धीरे धीरे आप उसके जाल में फंस जाएंगे। अरे क्या यार, तुम लोग किसी को भी घुसने देते हो अंदर? चलिए दादा, निकालो सबको, निकालो सब। आपने उसे नहीं रखा, उसने आपको रखा। चलिए समझे, क्योंकि वो कुछ चाहती है आपसे, जिस दिन उससे वो मिल गया ना, बहुत प्यार से वो आपको कॉल करेंगे। काट चुकी है,
क्या हुआ मुझे? वो लोग क्यों ढूंढ रहे हैं आपको? क्या चाहिए क्या उसे? किसने किया ये? वो लोग पता नहीं क्या क्या सब बकवास कर रहे थे, क्या कुछ कुछ उड़ा चक्र, कुछ इसी परी, क्या है ये सब? क्या है किस मुंह में बांध रही हो आप? किसने किया? क्या जाल बिछा है? किसने किया है? वो साला मुर्दा घर वाला रुपये भी छोड़ो वो सब, आप बताओ क्या जाल बिछा है? सुनिए, उसने घर लिया मुझे ना? हाँ हाँ, मैं छुप छुप के पीछा कर रहा था, मां कसम। सब मुझे नहीं पता ना उस हरामी को कैसे पता चल गया। हेलो हेलो, क्या
कल मैं थोड़ा लेट कर पहुंचा। रात से ट्राई कर रही तुम्हारा फोन नॉटरीबल आ रहा है। सॉरी अभी कहाँ हो? घर पे हो? हाँ घर पे। आ रहा है एक मिनट होल्ड करो। कोई है? कोई नहीं है। है? हाँ मैं अभी 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 आया मैं मिल सकता हूँ। वो क्यों आई है यहाँ? प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज आप इस कमरे में रहो। हाँ प्लीज कुछ भी हो जाए बाहर मत आना समझी। प्लीज मैं अभी आया मैं। मुझे लगा खोलोगे। ये क्या हुआ? उसने एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ और बताया भी नहीं? डॉक्टर के पास गए? हाँ। दिखाओ। ये कैसे डॉक्टर के पास गए? पट्टी भी नहीं लगाई है। घर पे बैंडेज है? नहीं रहने दो ना। ठीक है अभी ठीक है मैं लाता हूँ बैंडेज। अब आओ मेरे साथ आओ। आओ बैठो यहाँ इस रूम में बैठो। लाता हूँ मैं। वैसे मैं कल बहुत गुस्सा थी तुमसे। कुछ जरूरी बताना था। कितने बार फोन ट्राई किया फोन ही नहीं उठाया तुमने। अच्छा है कमरा। ये तुमने बनाया है? हाँ। अरे वाह बताया नहीं कि तुम आर्टिस्ट भी हो। मेरा भी बना दो क्यों? हाँ। ऐसा स्केच सिट हियर। हो गया? डर रहे हो? योगा करे आप? तुम? मैं? जब किसी से प्यार करते हैं तो उसे तुम कहते हैं। I'm sorry. मुझे शायद नहीं वो आई शुड गो। नो इट्स ओके। यू डोंट हैव टू कम। आई गो। अब वहां कैसे पहुंची? छुपाने नहीं चाहती थी। तुमको कुछ बताने आई थी। छुपा तो तुम रहे थे। प्लीज एक सच को बोल। यानी ऐसा नहीं है। प्लीज
क्या मतलब है? सिर्फ एक गलती की वजह से आपको लगता है कि कुछ भी कर सकती हो? दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। चलो निकलो, निकलो यहां से। खुद नहीं जाओगी तो मैं धक्का मार के निकाल दूंगा। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। क्या लगता है? बहुत कम जहर डाला है। खुद को जिंदा रखने के लिए नहीं फारिस, बल्कि उसको मारने के लिए। हालत पूरी गलत थी। इश्क लड़के को नहीं हुआ, लड़की को नब्बे में बांग्लादेश के सातखीरा इलाके में एक खबर ने दहशत फैलाई हुई थी। खबर थी सातखीरा और आसपास के इलाकों से नाबालिग लड़कियों का गायब होना। माना जाता था इन्हें अगवा करने वाला एक समूह था जिसका नाम था ओलाद चकना। इस समूह का मकसद था खुद की नस्ल को आगे बढ़ाना। जब ये शैतान हैवान की अफवाह फैलने लगी तो ओलाद चक्र के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ, कयामत आंदोलन। इसके कर्ता धर्ता थे ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कासिम अली। आम जनता इस आंदोलन के पक्ष में थी, पर इनके तौर तरीके और कट्टर सोच की वजह से सरकार ने इन पर रोक लगा दी और इसे गैर कानूनी करार कर दिया। Thank you.
जिन है। डिफरेंट दिखता नहीं है, नहीं सुनाई देती है बस उसके सांस की आवाज। इफ्रित इंसानों के साथ जिस्मानी रिश्ता रख सकते हैं, जिसकी वजह से इंसानी लड़कियां इफ्रित के बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इफ्रित के बच्चे हमारे बच्चों की तरह 9 महीने में नहीं बल्कि हिजरी कैलेंडर के 1 महीने के अंदर पैदा हो जाते हैं। ये बच्चे नाभि की डोरी और नाभि के बिना पैदा होते हैं। इन बच्चों के खून में जहर होता है। अगर 29 दिन में उन्होंने ये जहर नहीं निकाला तो उनका जहर उनको ही मार देगा। ये बच्चे सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस दुनिया में जन्म लेते हैं, और बच्चों को जन्म देने के लिए, शैतान की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। बुला रही है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, बहुत डर लग रहा है मुझे। सॉरी, अगर मेरे पास यहां रहना है तो क्या मेरे पेट में बच्चा है? आई लव यू टू। कोई रह रहा है? दरवाजा खुला है। हाँ। बैठा क्यों है? जा बंद कर। अर्णव, अर्णव कोई आ रहा है, जा।
क्या किया देखो कैसे जाहिल लोग रुको 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 नुकसान देखो आखिरी मुलाकात हो गई ना आखिरी मुलाकात ही सही करेगा जहर उतनी जल्दी पड़ेगा इसको इसके जहर से मारेंगे क्या इतना वक्त लगा इस आखिरी वाली को ढूंढने में थोड़ा तड़प तड़प के मारने दो उसको इसी लायक है बेटा देखो कौन आया है दरवाजा खोलो अर्णव ओपन द डोर कमाल है
कब से दरवाजा खटखटा रही है और तुम ओके? क्यों कर रहे हो ये सब? 3 हफ्ते से घर से नहीं निकले हो तुम। सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे तुम्हारे इस हालत के लिए। जो कुछ हुआ उसके बाद मैं क्या करती? Why is it suddenly my fault? तुम अभी बाहर जाओ और जाके सबको सच बताओ। तुम नहीं बताओगे तो मैं उस लड़की के बारे में तब जाके शायद। लड़की नहीं है वो, राक्षस है, इफ्रित की बेटी है। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं, और कुछ घंटे बस। इतना पता है कि मेरी वजह से वो प्रेग्नेंट है। और मैं उसे छोड़ के आ गया मरने के लिए। तो राक्षस कौन हुआ, वो या मैं? अर्णब, राक्षस हम सबके अंदर है। तुम्हें याद है उस दिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी मेरी उस लड़की के साथ अफेयर के बारे में? वो बाइक वाला डॉक्टर, वो ऐसे ही खत्म नहीं हुआ था। मैं प्रेग्नेंट थी। शुरू में सब ठीक था, फिर एक दिन सडनली उसने फोन करके बोला उससे नहीं हो पाएगा। बस इतना ही। फिर मुझे अकेले करना पड़ा। तीन महीने हो गए थे। सोनोग्राफी में उसकी हार्ट बीट तक सुनी थी। जब भी पेट पे हाथ रखती थी तो फील कर सकती थी। अभी भी करती हूँ। بیسنی نوری بیسنی خیری قدیاتی مو قدمی رشری بیسنی ربی
अद्यतीमु तदमीर शैतानी वाली बेस में खैरी अद्यतीमु तदमीर शर्री बेस में रब्बी الآن أمرني دارك أيدي يا أخونا الآن تذكركم سبحانه وتعالى باسم نوري قد أمرات ظلامه باسم الخير قد يتم تدبير شري أيقانا الآن أيقانا الآن باسم الرب قد يتم الانهناه قبلالي باب نواهد لا إلهي أيقونا الآن الآن बोलो क्या बस अभी घर पहुंच एक सेकंड होल्ड करना सॉरी वो चाबी अटक गई थी सारी खेती दरवाजे बंद कर दो क्यों क्या हो गया तुम्हारे पास आ गई है क्या तुम्हें कैसे किसी के लिए भी दरवाजा बंद खुलना किसी के लिए भी जब तक मैं नहीं आता Oh!
लंबी सांस लो, लंबी सांस, हाँ, लेती रहो नहीं उठा रही थी। वो चली गई। कौन? रुखसाना बच्चा मेरे पास छोड़ के चली गई। अच्छा? बाद मैं तौलिया लाने गई, वापस आई तो वो नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई।
मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास मत आ। इनको सब समझ है, पता चल जाता है नहीं जब मुझे जहर निकालना होता है, मैं छोड़ के नहीं ये जाती कभी। मुझे माफ कर तू रुक्सा, मैं डर गया था। वो मेरा बच्चा, उसे ना, वो मेरे जैसा नहीं है, उसे मत देना। उस बच्चे की नाभि की डोरी थी, नाभि थी, शायद इसलिए क्योंकि उसके पैदा होने के पीछे इफ्रत की नफरत नहीं, रुखसाना का प्यार था। रुखसाना एक दिन कहीं से मेरी जिंदगी में आई और फिर वैसे ही चली गई, शायद उसी जगह जहां परिया चली जाती है कहानी के खत्म होने पर।